नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बंसल। आज हम मिलवाएंगे आपको एक हमारे अच्छे मरीज के साथ में, जिनका कि रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर था। उनका ट्यूमर जो रीढ़ की हड्डी की नसें जाती हैं नीचे, इसका L1 L2 के पास में, जहां पेशाब का कंट्रोल होता है और दोनों पैरों का कंट्रोल होता है और टट्टी का कंट्रोल होता है, उसके पास की नसों का एक बहुत बड़ा ट्यूमर था, जो कि उनको काफ़ी दिनों से कमर में दर्द रहने की वजह से MRI कराने पर पता चला। अगर हम ये ट्यूमर निकालते हैं तो इस ट्यूमर को निकालने के बाद इनका पेशाब से कंट्रोल, लेटिन से कंट्रोल और दोनों पैरों में पावर जीरो होने की संभावना 90% है। इनका हमने पिछले हफ्ते ऑपरेशन किया है और इनका ट्यूमर निकाला है। आज आप इनकी खुद की जबानी से सुनिए कि इनके अपने बारे में बताएंगी, ये मिलिए इनसे। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता शेखावत है। मैं सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से मेरे लेफ्ट पैर में मुझे बहुत दर्द हो रहा था, खासकर ये दर्द मुझे सोते वक्त होता था। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया वहीं सीकर में, उन्होंने MRI के लिए बताया। जब MRI रिपोर्ट्स आई तो सामने आया कि मेरी स्पाइन में एक ट्यूमर है जिसकी सर्जरी करनी होगी, जो आगे चल के क्रिटिकल केस हो सकता है, मुझे चलने में दिक्कत आ सकती है। फिर हमें पता चला बंसल सर के बारे में, हम नारायणा हेल्थ आए, सर से कंसल्ट किया और सर ने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिलाया कि इस ऑपरेशन के बाद मुझे आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी और सर्जरी मेरी हो गई है। और आज मुझे सर्जरी हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और मैं आराम से चल फिर सकती हूँ। थैंक यू।